धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय. द इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट अमेंडमेंट, रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019, ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर जल की महत्ता को समझते हुए सदन के लगभग 21 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए. इन जल विवादों का समयबद्ध निर्णयन हो, विवादों के समयबद्ध निर्णयन को लेकर लाए गए इस बिल की विवेचना करते हुए सभी माननीय सदस्य, आदरणीय मनीष तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, श्री दयानिधि महारन जी, श्री कल्याण बैनर्जी साहब, श्री मिथुन रेड्डी जी, श्री महाबली सिंह जी, श्री भर्तरी मेहताब सर, श्री नामा नागेश्वर राव जी, श्री सुनील तटकरे जी, श्री वसंत कुमार जी, श्री वरुण गांधी जी, श्री एम ए आरिफ साहब, श्री एम सल्वराज साहब, श्री राहुल कासवान जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी, श्री प्रेमचंद्रन जी, श्री राम नायडू जी, मिस सुमालता अम्बरीश जी, ब्रिजेंद्र सिंह जी, प्रताप जाधव जी, रविंद्र जी और श्री सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी, ऐसे 21 सदस्यों ने अपने अनुभव, अपने विवेक, अपने ज्ञान और कुछ कुछ अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत किए. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सब सदस्यों ने जिस तरह से विचार व्यक्त किए और निश्चित रूप से हम सब मानते हैं, हम सब जानते हैं कि जल का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री वरुण गांधी जी का, श्री प्रेमचंद्र जी का, कि इन्होंने इस बिल के परिप्रेक्ष्य से हट करके भी जल के विषय की महत्ता को प्रतिस्थापित करने की बात की. उन्होंने इस बात का संज्ञान सदन में कराते हुए कि भारत जल के विषय में किस तरह से एक आसन्न खतरे के सामने खड़ा है, और कुछ सदस्यों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस आसन्न खतरे को कॉम्बैट करने के लिए जिस तरह से काम प्रारंभ किया, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तय है कि दुनिया की 18% आबादी और दुनिया की 18% से भी ज्यादा पशुधन आबादी वाले इस देश में, जहां केवल 4% रिप्लेनिशेबल वाटर हमारे पास में है, निश्चित रूप से हमारे लिए एक चिंता का विषय. और जैसा माननीय कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह का खतरा क्लाइमेट चेंज के कारण से हमारे सामने है, उस खतरे के कारण से भी हमारे सामने समस्याएं और अधिक बढ़ने वाली है. इसलिए निश्चित रूप से यह समय की मांग और आवश्यकता है कि हम जल के क्षेत्र में उचित प्रबंधन की दिशा में सोचना प्रारंभ करें. केवल हम सप्लाई साइड के साथ साथ में डिमांड साइड के भी रचना प्रारंभ करें, और निश्चित रूप से सारे राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के लोग जो इस सदन में बैठे हैं और जितने भी प्रदेशों के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि यह समय है, इस समय पर हमको कन्विक्शन के साथ में निर्णय लेना पड़ेगा और हमको विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने जल के उपभोग को ज्यादा जुडिशियस कर सकते हैं, विवेकपूर्ण कर सकते हैं. अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि कंपल्शन के साथ शायद हम सबको इस तरह का काम करना पड़ेगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए, मैं उन विचारों के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी सदस्यों ने विचार व्यक्त किए, वो शायद सभी लोगों ने कुछ कॉमन विचारों पर, विषयों पर बात की है, लेकिन मैं कुछ माननीय सदस्यों ने जो विचार अपने व्यक्त किए, कुछ आशंकाएं शंकाएं व्यक्त की, उनके बारे में मैं आपके माध्यम से कुछ उनके शंका का समाधान करने का प्रयास करूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस बिल पर चर्चा करते हुए विद्वान वकील आदरणीय मनीष तिवारी साहब ने अपनी बात करते हुए कहा कि जो है स्टेट्स के साथ में कंसल्टेशन नहीं किया गया. हालांकि मुझे लगता है कि वो शायद उस समय नहीं थे जब भर्तरी मेहताब साहब अपनी बात कर रहे थे. भर्तरी मेहताब साहब ने भी जब बिल का इंट्रोडक्शन मैंने किया था उस दिन, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी साहब और भर्तरी मेहताब साहब ने इस आकांक्षा, इस अपेक्षा के साथ में, इस आशंका के साथ में कि बाकी राज्यों के साथ में कंसल्टेशन नहीं किया गया, उन्होंने उस दिन भी इस बात पर प्रतिवाद किया था. लेकिन उस दिन भी मैंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा था
और मैं ये शायद सोचता हूं कि उस दिन शायद आदरणीय मनीष जी उस समय नहीं थे, उस समय भी मैंने कहा था कि 2013 में जब इस बिल की रचना की गई तब इसे सारे स्टेट्स के साथ में पास में कंसल्टेशन के लिए भेजा गया था। कंसल्टेशन के बाद में जो बिल ड्राफ्ट तैयार हुआ उस ड्राफ्ट बिल को बाद में स्टैंडिंग कमेटी के बाद पास में भी भेजा गया और स्टैंडिंग कमेटी की तमाम अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए इस बिल को सदन में विचार के लिए लाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मनीष तिवारी जी ने अपनी बात करते हुए कहा कि रावी व्यास ट्रिब्यूनल का जो निर्णय था वो निर्णय लीगल इन्फॉर्मिटी के कारण से लागू नहीं, पब्लिश नहीं किया जा सका। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि जो वर्तमान एक्ट में जो प्रदत्त व्यवस्था है 5-2 में अवार्ड होने के बाद में आर्टिकल 5-3 में एग्रीव्ड सदर जो पार्टी है वो पुनर्विचार के लिए, पुनर्समीक्षा के लिए आवेदन कर सकती है और इस ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार के लिए आर्टिकल 5-3 जो एक्ट के उपबंध 5-3 के तहत वापस पुनर्विचार की याचिका दायर होने के कारण से उसे पब्लिश नहीं किया जा सका। माननीय सदस्य ने इस बात के लिए भी पब्लिकेशन के विषय को लेकर के भी चिंता व्यक्त की। मैं माननीय सदस्य और सदन के, मैंने हालांकि अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी ये बात कही थी कि हम ये इस बिल में हमने इस बात का प्रावधान किया है क्योंकि इस तरह के विषय संज्ञान में आए थे कि सरकारों ने विभिन्न समय पर जो अवार्ड ट्रिब्यूनल्स ने पारित किए, सरकार के पास में आज वर्तमान सरकार के पास में भी इस तरह की शक्ति है, ये बिल जब तक न पारित हो कि कोई अवार्ड यदि कोई ट्रिब्यूनल पारित करता है तो उसे अंतहीन समय तक रोका जा सकता है। लेकिन हमने वर्तमान जो बिल विचार के लिए आज यहाँ विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें हमने इस बात की व्यवस्था की है कि इस पब्लिकेशन की आवश्यकता न पड़े और इसमें साथ ही साथ में इस बात का उपबंध भी किया गया है जैसा का जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप कि इस जो पब्लिकेशन होगा, जो अवार्ड होगा वो अवार्ड बिना पब्लिकेशन के ही सुप्रीम कोर्ट की डिक्री के समतुल्य माना जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो है डे मेंटेनेंस ऑफ डेटा के बारे में जो है चिंता व्यक्त की, आशंका व्यक्त की। माननीय मनीष तिवारी जी ने कहा कि हम डेटा की आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं और डेटा की आउटसोर्सिंग जो है वो शायद प्रदेशों के लिए आपदा का कारण बन सकती है, उनके हितों पर कुठाराघात कर सकती है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं और विनम्रता पूर्वक अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम जितना भी डेटा इसके लिए कंसल्ट करेंगे, उपयोग करेंगे, वो सारा डेटा CWC या इसके अतिरिक्त अन्य भारत सरकार की संस्थाओं के डेटा के आधार पर ही जो है इन सब विषयों को के पर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री दयानिधि महारन साहब ने चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा था कि इस बिल के अब इस एक्ट के इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद में, कानून बन जाने के बाद में CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या भविष्य होगा। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो विधेयक वर्तमान में हमने प्रस्तावित किया है इसमें हमने वर्तमान एक्ट के धारा 6A को किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं किया है। जो भी कोई बॉडीज इस धारा 6A के तरह के माध्यम से जो 1980 के एक्ट अमेंडमेंट के बाद में बनी थी उस सारी ऐसी संस्थाओं, चाहे CWMA हो, चाहे नर्मदा वाटर मैनेजमेंट के लिए जो संस्था NCA बनी हुई है, उन सारी संस्थाएं एज इट इज काम करेगी, उनमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्याण बनर्जी साहब ने जब चिंता व्यक्त करते हुए कहा था और उन्होंने प्रश्न किया था, मुझे आज लगता है कल्याणदा, वैसे मैं जो है कल्याणदा के लिए ये बात कह सकता हूं कि हमेशा बहुत पढ़ करके आते और मुझे आज लगता है कि शायद पार्टी ने कल्याणदा को यहां आने के बाद में ही तय किया था कि वो इस विषय पर बोलेंगे। और उन्होंने जो प्रश्न किया वो प्रश्न कम से कम मैं कल्याण बनर्जी साहब से अपेक्षा नहीं कर रहा था कि वो इस तरह का प्रश्न करेंगे कि कितनी बेंचेस बनाई जा सकती है। इस बिल में हमने जो ये वर्तमान में विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितने जो है वाद होंगे, जितने ऐसे विवाद होंगे, उन विवादों के अनुसार ही जो है वो बेंचेज की संख्या तय होगी। जितने विवाद होंगे उसके अनुरूप उतने ही बेंचेज बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ में उन्होंने इस बात का भी प्रश्न किया
कि चेयर इस एक जो है बेंच बनेगी उसमें कितने मेंबर होंगे, चेयरपर्सन क्या या डेप्यूटी चेयरपर्सन जो भी उसमें होगा जो उस बेंच को चेयर कर रहा है उसके अतिरिक्त एक जुडिशियल मेंबर और उसके अतिरिक्त एक जो है वो एग्जीक्यूटिव या एक्सपर्ट मेंबर जो है उसमें होगा। जुडिशियल मेंबर क्योंकि चेयरमैन माननीय कल्याण बनर्जी साहब ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था और उन्होंने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिया था, अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने कहा था कि जुडिशियल मेंबर की राय को हमेशा सुप्रीम माना चाहिए जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जो वर्तमान में व्यवस्था हमने प्रस्तावित की है, इस व्यवस्था में जो चेयरपर्सन या डेप्यूटी चेयरपर्सन जो उस बेंच के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा वो निश्चित रूप से जुडिशियरी का ही मेंबर होगा। इसलिए आपकी इस चिंता की मुझे लगता है कि इस आशंका या आशंका निर्मूल है और यह आशंका आपको जो है मेरे इस उत्तर से निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। माननीय कल्याण बनर्जी साहब ने बस हंसते हंसते शायद मुझे कहा था कि ये सारी बेंचेज जो है वो दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर क्यों होते हैं। हमने इस वर्तमान में जो विधेयक है इसमें इसके आर्टिकल सेक्शन 4E में इस बात की व्यवस्था की है कि जो भी कोई बेंच का अध्यक्ष यदि चाहे तो वो देश के किसी भी शहर में उसकी बैठ करके सुनवाई कर सकता है, वो वहां उसकी सुनवाई के लिए जा सकता है, वहां रह करके सुनवाई कर सकता है। इसलिए इस तरह का प्रश्न करना भी मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं। मेरे मित्र मिथुन रेड्डी जी ने इस बिल को सपोर्ट किया लेकिन बिल को सपोर्ट करते हुए साथ साथ में उन्होंने टाइमलाइन के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह समय सीमा जो दी गई है 1.5 साल की, यह समय सीमा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए जो समय सीमा दी गई है वो बहुत कम है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सारे सदस्यों ने इस बात को संवेद स्वर से स्वीकार किया कि पानी का विषय नदियों के जल और विशेष रूप से अंतर्राज्यीय नदियों के जलों का बंटवारा बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए ये आवश्यक था कि इस तरह का समय का उपबंध किया जाए। उन्होंने साथ ही साथ में जो 3 साल का समय 2+2+1 एक्सटेंडेबल उसके समय के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये भी कम होना चाहिए। तो मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस बात में के साथ साथ में कहा कि मैं कि लीडर्स विद गोल्डन हार्ट एंड मैग्नेमिटी जो है वो बैठ करके इन विषयों को 2 दिन में सुलझा सकते हैं। उन्होंने अपने स्टेट का उदाहरण दिया और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उसके अतिरिक्त जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सब ने साथ बैठ करके 2 घंटे में ऐसे जो है समस्या का समाधान किया। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसी तरह का गोल्डन हार्ट आप एक बार फिर दिखाएं, आप उन आपके सारे नेताओं को बिठाएं और मैं आज अनुरोध करूंगा कि जो कृष्णा ट्रिब्यूनल 2 चल रहा है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के 811 TMC पानी के बंटवारे को लेकर के है, इसी तरह की महानता दिखाते हुए गोल्डन हार्ट दिखाते हुए आप लोग बैठ करके अगर उसको समझौता प्रोजेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ वाटर जो है उसको यदि आप समाधान कर लेंगे तो निश्चित रूप से एक ट्रिब्यूनल का भार जो है वो समाप्त हो जाएगा और ये पहल इस देश में एक बहुत बड़ी पहल के रूप में जानी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं तो आर्टिकल 262 के बारे में बात करते हुए भी मिथुन रेड्डी साहब ने कहा था, कुछ और सदस्यों ने भी कहा, आर्टिकल 262 में निश्चित रूप से प्रावधान है और मैं आर्टिकल एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं कि नॉट आर्टिकल 262 कॉलम 2 नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नोर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट एज इट इज रेफर्ड टू इन क्लॉज 1। निश्चित रूप से यह व्यवस्था संविधान के द्वारा दी गई थी लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और जिस विषय के बारे में बहुत सारे सदस्यों ने चिंता व्यक्त की, मैं मानता हूं कि इसके लिए शायद एक और कोई कानून ऐसा बनाना पड़ेगा या उसकी आवश्यकता है कि एक बार इस तरह के ट्रिब्यूनल्स में डिसीजन होने के बाद में जो कोर्ट जिस तरह से हस्तक्षेप करता है उसकी आवश्यकता न पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृष्णा जो भर्तृहरि मेहताब साहब ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भर्तृहरि मेहताब साहब ने जिस तरह से समर्थन किया और उन्होंने जो जब बिल को मैंने बिल को यहां प्रस्तुत किया था उस समय जिस विषय को लेकर के जो है बिल का विरोध किया था उसी विषय को जब मैंने मेरे प्रत्युत्तर में जो मैंने बात कही थी कि हमने ड्यू कंसल्टेशन के बाद में ये बिल लाए, उन्होंने इस बात को का संज्ञान लेते हुए उस बात का आज उल्लेख भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को लेकर के
माननीय भर्तृहरि मेहताब साहब ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। जो मैं एक एक छोटे से एक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है कि टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ ए ट्रिब्यूनल सेक्शन 6A वाज इंसर्टेड, और सेक्शन 6A के माध्यम से ये तय किया गया था कि जो भी कोई अवार्ड पारित होगा उसके लिए एक स्कीम जो है वो स्कीम लागू की जाएगी, और उस स्कीम के माध्यम से उस अवार्ड को इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास किया जाएगा। और आप माननीय भर्तृहरि मेहताब साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी और कर्नाटका के विषय को उल्लेख करके जो चिंता व्यक्त की थी, मैंने कहा कि संविधान प्रति के में जो प्रदत्त व्यवस्था है उसके अनुरूप ट्रिब्यूनल्स को जो पावर है वो जो है सुप्रीम कोर्ट की डिग्री के बराबर है, लेकिन फिर भी उसके बारे में आगे जिस तरह की चर्चा चिंता सभी सदस्यों ने की है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उन विषयों को लेकर के बाद में उनमें संज्ञान लेकर के उसमें सुनना तय किया है, निश्चित रूप से जो है हम सब लोगों को बैठ करके उसके ऊपर विचार करके उसका मार्ग खोजने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि माननीय भर्तृहरि मेहताब साहब ने ये बात अपनी चर्चा के दौरान में इसको और इफेक्टिव रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल लाने के बारे में बात जो है रिवर बोर्ड एक्ट के बारे में इन्होंने चर्चा की थी। रिवर बोर्ड एक्ट निश्चित रूप से इतने वर्षों से पड़ा है, हमने इसके इस दृष्टिकोण से वर्तमान समय में प्रासंगिक जो है वो और ज्यादा इफेक्टिव रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल जो है वो तैयार किया है, और मुझे लगता है कि अगले आने वाले समय में शीघ्र हम उस बिल को यहाँ प्रस्तुत करेंगे, और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सबके सहयोग से जिस जो है ये बिल भी पारित होगा। और माननीय भर्तृहरि मेहताब साहब ने कावेरी का जो अवार्ड पारित हुआ उसको लेकर के कहा कि वो अवार्ड आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से और सदन को भी आपके माध्यम से जो अवगत कराना चाहता हूं कि ये पूर्ण सत्य नहीं है कि कावेरी का अवार्ड जो है वो अवार्ड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो कावेरी का जो अवार्ड था वो अवार्ड के बाद में हमने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया है, और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ साथ में कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने भी कॉन्स्टिट्यूट किया है, उन दोनों ने अपना काम करना प्रारंभ किया है। ऐसे में ऐसा कहना अभी थोड़ा जल्दी होगी कि इन दोनों से ने जो है किसी भी तरह का काम इस दिशा में नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेटा को लेकर के भी बहुत सारे सदस्यों ने चिंता की, जो मुख्य रूप से सारे सदस्यों ने अधिकांश सदस्यों ने अपनी बातचीत में इस बात की चिंता की। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेटा जो है बहुत सारे केसेस को डेटा के कारण से प्रभावित हो सकते हैं, और निश्चित रूप से रिलायबल डेटा जो है वो किसी भी डिस्प्यूट, चाहे वो किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, उसके रेजोल्यूशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेंट्रल भारत सरकार ने जो है नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जहां सारे डेटा देश के ऐसे रखे जाएंगे, उसका प्रावधान किया है, और उसमें CWC, IMD आदि जितनी भी संस्थाएं इस देश में काम करती हैं उन सब संस्थाओं का डेटा एक जगह रख के उनका डेटा का प्रोसेसिंग प्रॉपर हो, AI बेस्ड उनके सारे जो है समाधान किए जाएं। अभी कल ही हमने इंडिया वॉरिस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि कुछ सदस्यों ने बेसिन अप्रोच के साथ में इन सब विषयों को देखने की चर्चा की थी। हमने देश भर के सारे जल संसाधनों को एक के डेटा जितना है, चाहे वो रिवर बेसिन में जो पानी है या भूगर्भ में जो पानी है, उन सब विषयों को एक साथ जो है डेटा अवेलेबल कराने के दृष्टिकोण से एक प्लेटफॉर्म कल ही हमने लॉन्च किया है, और जिस तरह से सारे राज्यों के जो है स्टेक होल्डर्स को हमने कल आमंत्रित किया था, उनकी उपस्थिति में जब उसको लॉन्च किया था, मैंने राज्यों से भी इस बात से, राज्यों के प्रतिनिधियों से भी इस बात के लिए आग्रह किया था, क्योंकि मैं सराहना करना चाहता हूं आंध्र प्रदेश की, कि आंध्र प्रदेश ने जिस तरह से अपने यहाँ डेटा जो है क्रिएट भी किया है, और डेटा कलेक्ट करने का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है, ठीक सारे राज्य अगर इसी तरह से अपने अपने डेटा जो उनके पास में है, जो उन सारे डेटा को यदि इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, तो ये निश्चित रूप से इतनी बड़ी और यूजफुल रिपोजिटरी हमारे पास में होगी कि आने वाले समय में इस तरह के विषय को लेकर के कोई भी आशंका जो है हमारे देश में किसी के भी मन में नहीं रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारे विषयों को जो है जो माननीय सदस्यों ने अपने अपने वक्तव्य में कहा था, उन सारे विषयों को मैंने अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, और मैं एक क्योंकि मैं जैसलमेर से जोधपुर से आता हूं, जो सबसे कम पानी वाला प्रदेश है,
लेकिन हमको पानी के मैनेजमेंट के ऊपर निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पानी न तो ट्रिब्यूनल पैदा कर सकेगा न कोर्ट पैदा कर सकेगा। पानी तो जितना पानी हमारे पास में है, और पानी जितना पानी उपलब्ध 1951 में था, जनसंख्या 3 गुनी होने के कारण से उसका जो है वो लगभग 1/3 पर कैपिटा पानी 1500 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में रहा है। इसलिए हम सबको इस बात पर बैठ के विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ बैठ करके आज विचार कर रहे हैं तो हमको केवल अपने प्रदेश की हितों की चिंता से ऊपर उठ करके इस समग्र रूप में इस देश की चिंता करनी पड़ेगी, और आज की स्थिति से ऊपर उठ करके 30 साल बाद के भारत की क्या परिस्थिति होगी, 2050 के भारत में पानी की क्या स्थिति होगी, इस बारे में यहाँ बैठ करके विचार करना पड़ेगा। और उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा, क्योंकि डेफिसिट बेसिन में हमेशा ही इस तरह के विवाद रहेंगे। पानी की कमी होने पर निश्चित रूप से इस तरह के विवाद रहेंगे, और जैसा महाबली सिंह जी पानी की अधिकता होने की भी चिंता कर रहे थे, दोनों ही विषयों में इस तरह की जो है जो समस्या रहेगी। हम सब को लोगों को बैठ करके समग्र रूप में इसमें विचार करना पड़ेगा। लेकिन आज जो प्रस्तावित बिल है, इस बिल में हमने ये जो विवाद लंबित हैं और अनेक वर्षों से लंबित हैं, इन विवादों का समयबद्ध रूप से समाधान हो सके, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव समाधान हो सके, इसके लिए बिल प्रस्तावित किया है। मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आप सब मिलकर के इस बिल को जो है यूनानिमसली पास करें, ऐसी आप सब से अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।